हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले क्लास हम लोगों ने जो है पॉलन ग्रेन का स्टडी पूरा करके कंप्लीट कर चुके थे। फिर हम लोगों ने गाइनोसियम मीन्स कह सकते हैं जयांग की बात कर रहे थे। जयांग की इकाई को हम लोगों ने क्या बोले थे? जयांग की इकाई को हम लोग स्त्रीकेशर बोलते हैं, इंग्लिश में पिस्टल या फिर कार्पेल बोलते हैं। तो वहाँ तक अध्ययन किए थे। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि कैसे मादा युग्मक का निर्माण होते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास एक डायग्राम देखे थे स्त्री केसर का। ये मान लेते स्त्री केसर का डायग्राम है। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। इस खुले हुए भाग को हम लोग क्या बोलते थे? अंडाशय। और ये अंडाशय और इसको बोले थे हम लोग स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र और ये जो वर्तिकाग्र अंडाशय को दोनों को जो जोड़ते हैं इसको बोले थे वर्तिका। ये तीन भाग हम लोगों ने देखे थे। तो कार्य भी देखे थे। इनका कार्य होता है कि ये परागकण का पहचान कर सके, कि ये प्राग जो भी परागकण आएंगे इसके ऊपर तो ये पता कर पाएंगे कि अपने ये जाति के हैं या किसी और जाति के हैं। तो इसका काम है परागकण का पहचान करना। और परागकण वर्तिकाग्र के द्वारा ही अंडाशय में आते हैं। तो जो भी पॉलिनेशन की घटनाएं, परागकण की घटनाएं होंगे या फिर प्रजनन की घटनाएं होंगे वो कहाँ पर होंगे? अंडाशय के अंदर होंगे। तो हम लोग जो है अंडाशय के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होते हैं। तो हम लोग अंडाशय के ही संरचना को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगे कि कैसे मादा युग्मक का निर्माण हो पा रहा। तो चलिए अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं ओव्यूल। बताए थे ओव्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजाणु। और अंडाशय के अंदर जो भी कैविटी होते हैं, जो भी खाली जगह होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी। ये ओवेरियन कैविटी के ही अंदर क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। इसी के अंदर प्लेसेंटा भी होते हैं जो बीजाणु को भोजन प्रदान करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये ओव्यूल की संरचना कैसी है, कैसे इसके प्लेसेंटा जुड़े हुए, मतलब कह सकते हैं ओवेरियन कैविटी का एक तरह से संरचना देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग बीजाणु की संरचना क्या है। वही हेडिंग में दिए हुए हैं गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु दहन या फिर बीजाणु की संरचना। तो गुरु बीजाणु दहन की संरचना को देखते हैं। गुरु बीजाणु दहन कैसे होते हैं? ये दो इंटेगुमेंट से घिरे होते हैं, दो आवरण से घिरे होते हैं। पहली है ये, दूसरा है। ये तो इंटेगुमेंट से घिरे हुए और ये प्लेसेंटा से जुड़े हुए। ये हो गया आपका अंदर मींस ओवरी के अंडाशय का ये संरचना हो गया। ओवरी के अंदर जो संरचना देखने के लिए मिल रहे थे तो वो ये हो गया बीजाणु की संरचना। अंडाशय के अंदर जो बीजाणु पाए जा रहे थे उसकी संरचना ऐसे देखने के बाद ऐसे देखते हैं। कैसे देख पाते? मान लेते हैं ये एक स्त्री केसर है। ये संरचना को कैसे देख पाएंगे? बताए थे कि प्राग को उसको कट कैसे किए थे? अनुप्रस्थ रूप से कट किए थे, तब उसमें जाके वो चतुष्कोणीय संरचना देखे थे। उसी तरह इस ओवरी को लंबवत अनुदैर्ध्य रूप से काटेंगे तो ये संरचना देखने के लिए मिलेगी। तो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में एक अंतर हो गए कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अध्ययन के लिए कैसे कट करते हैं? अनुप्रस्थ रूप से कट करते हैं। और मैक्रोस्पोरेंजियम के अध्ययन के लिए कैसे कट करते हैं? उसको हम लोग लंबवत या फिर अनुदैर्ध्य रूप में कट करते हैं। जब अनुदैर्ध्य रूप में कट की तो ऐसे संरचना को देखें। इसमें देखें ये दो है, इसको बोलेंगे बाहरी आवरण। इसको बोलेंगे बाहरी आवरण। और ये हो गया आपका आंतरिक आवरण। और ये जो देख रहे हैं अंदर में ये दो आवरण देखिए, आंतरिक आवरण और बाहरी आवरण। इसके अंदर
बहुत सारे कोशिका भरे पड़े होते हैं, जिस कोशिका का नाम है न्यूसेलस। और जहां पे आवरण नहीं पाए जाते इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये यहां से यहां तक ये पूरा जो संरचना है इसको हम लोग बोलेंगे बीजांड की काय, मतलब बीजांड की संरचना यही है, बीजांड की काय, बीजांड की ये जो शरीर हुए यहां से यहां पूरी तरह से बीजांड। अब देखिए बीजांड एक ट्यूब लाइक नलीदार संरचना से जुड़े होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फनिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? फनिकल। किससे जुड़े होते हैं? तो प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। प्लेसेंटा इनको क्या कर रहे हैं? भोजन प्रदान कर रहे हैं। किसको? तो बीजांड को। अब जो है फनिकल बीजांड से एक बिंदु से जुड़े होते हैं, देखिये यहां से जुड़े हुए हैं, इस बिंदु को हम लोग हाइलम बोलेंगे। ये आपका एक संपूर्ण गुरु बीजाणुधानी या फिर दीर्घ बीजाणुधानी का संरचना है। इसकी संरचना कैसे देखें? जब एक स्त्री केसर को लंबवत रूप से कट के तो ऐसे संरचना देखने के लिए मिले। ये जो है दो आवरण से घिरे होते हैं, आंतरिक आवरण और बाहरी आवरण, बाह्य आवरण और अंत आवरण, दोनों आवरण है। ये एक आवरण, दो आवरण हो गए। दोनों आवरण के बीच में बहुत सारी कोशिका भरे पड़े हुए जिसको हम लोग निसेलस बोलते हैं। और एक ये जो बीजाणु की जो शरीर है उसके एक जगह पे आवरण नहीं पाए जाते हैं जिस जगह का नाम है माइक्रोपाइल। और इसके अंदर जो सेल भरे होते हैं इसको निसेलस बोलते हैं। और ये जो बीजाणु की काय है, जो शरीर है किसका? तो बीजाणु के जो स्ट्रक्चर है ये फनिकल द्वारा प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। तो फनिकल जो है बीजाणु की काय से जुड़ते हैं, तो किस बिंदु से जुड़ते हैं? हाइलम से जुड़ते हैं। और माइक्रोपाइल के उल्टा विपरीत दिशा में जो पाए जाते हैं इसको हम लोग बोलेंगे चलेजा एंड, चलेजा से। यही से जो है ये आवरण बनना स्टार्ट होते हैं चलेजा से ही। तो समझ